Assalamu alaikum class, I hope you all are good. Today we are going to start poem try again topic summary of the poem. Summary आज हम इसके start करने लगे हैं poem की. इसके आपने words meaning and वो question answers last time कर लिए हैं. I hope आपने उसको लिख भी लिया होगा अपनी copies पे. Let's start it. Try again, दोबारा कोशिश करें. Is a simple, thoughtful and moralizing poem written by British poet William Edward Hickson. Try again एक सादा सी सोच विचार करने वाली और नसीहत देने वाली नज़म है जो कि एक ब्रिटिश पोइट विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी है. इन दिस पोइम द पोइट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन इन केस वी फेल इन डूइंग समथिंग ड्यू टू सम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. ये जो पोइम है इसमें पोइट हमें बताता है कि दोबारा कोशिश करने की अहमियत क्या है. अगर किसी काम को करने में हम नाकाम हो जाते हैं, किसी बुरे हालात की वजह से किसी काम में नाकामी होती है, तो दोबारा उस काम को दोबारा करने की अहमियत क्या है. ही सेज डैट वी शुड कंटिन्यू ट्राई अगेन. वो कहता है कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए टिल वी सक्सीड, जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते. द लिटल पोइम गिव्स अस अ बिग लेसन. एक छोटी सी ये पोइम जो है नज़म है ये हमें एक बड़ा सबक देती है. इट सेज ये कहती है दैट लिटिल स्टेडी स्टेप्स क्योर सुपर सक्सेस. कि छोटे छोटे जो कदम होते हैं हमारे आहिस्ता आहिस्ता से वो हम क्या होते हैं बड़ी कामयाबी की वजह बनते हैं. आगे मैंने एक कोटेशन कोट की है. आई एम नॉट द बेस्ट बट आई एम ट्राइंग द बेस्ट. कि मैं बेहतर नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी बेहतर कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. द स्पीकर सेज जो पॉइंट है वो कहता है इफ़ वी फेल इन आवर फर्स्ट अटैम्प्ट. कि अगर हम अपने पहले काम करने में नाकाम हो जाते हैं या पहली कोशिश में नाकाम हो जाते हैं वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. हमें नामुमकिन नहीं होना चाहिए. वी शुड ट्राई अगेन. हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए. बिकॉज देन वी बिकम करेजियस. क्योंकि तभी हम हिम्मत हासिल कर सकेंगे. कब तभी हम हिम्मत वाले हो सकेंगे. इफ़ वी परसिस्ट बिकॉज ऑफ दिस करेज वी विल कंकर. अगर हम इसी तरह कोशिश करते रहें या अपनी हिम्मत जारी रखें तो हमारी इसी हिम्मत की वजह से हम फतह याब हो जाएंगे. द स्पीकर एडमिट्स दैट व्हेन वी ट्राई अगेन. जो पॉइंट है जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो कहता है कि अगर हम दोबारा कोशिश करें और इस हकीकत को अगर हम मान लें कि दोबारा कोशिश करनी चाहिए वी मे फेल वंस और ट्वाइस. तो हम सिर्फ एक या दो बार नाकाम हो सकते हैं. हाउएवर ताहम इफ़ वी कीप ऑन ट्राइंग. अगर हम दोबारा कोशिश करते रहें वी विल सक्सीड. तो हम कामयाब हो जाएंगे. कि सिर्फ एक दो बार हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा लेकिन एंड पे हम कामयाब हो ही जाएंगे. इफ़ वी डू नॉट विन द रेस. अगर हम एक रेस को या दौड़ को जीतते नहीं हैं वी शुड नॉट गिव अप ट्राइंग अगेन. हमें दोबारा कोशिश करने से घबराना नहीं चाहिए. मोर ओवर इफ़ वी फाइंड आउट टास्क डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश. और हत्ता कि अगर हमें अपना कोई काम मुश्किल नज़र आ रहा है करने में वी शुड नॉट लूज हार्ट. हमें हार नहीं माननी चाहिए. टाइम विल ब्रिंग अस आवर फ्रूट ऑफ लेबर. जो वक्त है वो हमारी मेहनत का जो फल है वो हमें ज़रूर देगा. वी कैन ऑल्सो डू वट अदर पीपल कैन डू बट इट नीड्स पेशेंस. हम वो कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग भी करते हैं लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है सब्र की. एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई. हर जो कामयाबी या काम जारी रखना होता है वो किससे शुरू होता है. इस फैसले से कि हमें कोशिश करनी है. इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि दिस लिटिल पॉइंट गिव्स अस अ मैसेज ऑफ होप करेज हार्डवर्क डिटर्मिनेशन एंड होपफुलनेस. कि जो छोटी सी पॉइंट है ये हमें पैगाम देती है हिम्मत की, हौसले की, मेहनत की, अज़म की, पुरअज़म रहने की और उम्मीद अपनी उम्मीद से रहने की. ये हमारी होगी. और हमने इसमें कोटेशन या आप अपनी पोइम की कोई लाइंस ऐड कर सकते हैं. इससे आपको हमेशा जो चेक करने वाला होता है टीचर होता है वो इम्प्रेस होता है और मार्क्स आपको मिलते हैं. ठीक है, ये हमारा हो गया है समरी. ओके, इसके साथ हम थोड़ा सा ग्रामर ये अपना बुक वर्क करते हैं. पेज नंबर 29 पे हम वोकेबलरी देख लेते हैं. हीड अटेंशन, परसीवियर परसीव, स्ट्राइव स्ट्रगल, केस कंडीशन, पेशेंस टॉलरेंस. फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. करेज ब्रेवली, कंकेयर टू विन, डिस्ग्रेस इंसल्ट, हार्ड डिफिकल्ट, रिवॉर्ड प्राइज. क्वेश्चन आंसर हमारे ऑलरेडी डन है. ओके, अब यहाँ हम आते हैं सिमिले पे. ये क्या होता है? ये एक लिटरेरी डिवाइस है. ठीक है, जैसे उर्दू में होता है ना लहक के साहब के या हम आवाज़ लफ्ज कुछ इस तरह जो उर्दू में होता है उसी तरह इंग्लिश में भी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जैसे सिमिलर.
तो इसका जो है इसे क्या कहते हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड यूजुअली इन अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक और एज। ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनको आपस में कंपेयर किया जाता है, हालांकि वो चीज़ें आपस में मिलती नहीं हैं। दो ऐसी चीज़ें जो आपस में मैच नहीं होती हैं, लेकिन उनकी खूबी या एक की खूबी को दूसरी के लिए भी वही बयान कर दिया जाता है। और ये किस तरह इंट्रोड्यूस होती है, लाइक और एज से। इसको एक जो दूसरे को जब हमने उसके साथ मिलाना है तो हमने लाइक या एज ये दो वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। जैसे अली अगर हम ले लें, ही की जगह हम अली यूज़ करें, अली इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। अली जो है वो घोड़ा तो नहीं ना, इंसान है। हम इंसान को घोड़े से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एज। तो ये एज क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सिमिलर। इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, बर्फ़ की तरह ठंड पड़ रही है। बर्फ़ नहीं पड़ रही लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ के जैसे। तो हमें यह लाइक यूज़ हुआ, तो ये क्या है, सिमिली। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 30। सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ दिस सिमिले एज यूज इन दी सेंटेंसेज। यहाँ पे उन्होंने आपको सिमिले दिए गए हैं, आपने उनको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज स्नग एज अ बर्ग इन अ रग। द सिमिले एज स्नग एज अ बर्ग इन अ रग मीन्स, इसका मतलब क्या है, आई वॉज कोजी इन माई बेड। जैसे कोई कीड़ा किसी कलीन में या उसमें मज़ा ले रहा होता है, इसी तरह मैं भी बेड पे, मुझे भी सुकून मिल रहा है, आई वॉज कोजी इन माई बेड। सेकेंड है, द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई। अब नई टीचर एप्पल पाई तो हो नहीं सकती है, तो क्या आएगा, द न्यू टीचर वॉज नाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स द न्यू टीचर वॉज नाइस। देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल। अब किसी का भी लीडर उल्लू की तरह अकलमंद, क्या उल्लू तो नहीं ना है, लेकिन वो उल्लू की तरह अकलमंद है, तो इसको उल्लू से लीडर को कंपेयर किया। तो एज वाइज एज एन आउल क्या हो जाएगा, द लीडर न्यू अलॉट ऑफ थिंग। द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ थ्री रिंग सर्कस द डे बिफोर इट। ईद से पहले जो थ्री रिंग सर्कस होता है ना, वो क्या होता है, वो बहुत बिजी जा रहा होता है, बहुत भीड़ होती है उसमें। तो लाइक अ थ्री रिंग सर्कस का क्या मतलब है, द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी। दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग्स, ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी। लाइक अ बेबी, दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, के बच्चगाना हरकतें कर रहा है। मोहसिन वॉज एज एक्सप्लोसिव एज अ वॉलकैनो व्हेन ही फाउंड आउट हिज बाइक हैड बीन स्टॉलन। अब एक्सप्लोसिव एज अ वॉलकैनो का क्या मीनिंग हुआ, कि यानी गुस्से में फट जाना। वॉलकैनो फटता है ना, आग निकलती है, तो इसको क्या कह देंगे, मोहसिन वॉज एंग्री। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलेस, यूज दिस सिमिलेस इन सेंटेंसेस। एज स्लो एज अ टर्टल, एज क्वाइट एज डव, एज ब्लैक एज कोल, एज टॉल एज जायंट, एज सोर एज अ लेमन, एज स्वीट एज हनी। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ the same sounds or of the same kinds of sounds at the beginning of words or in stressed syllables। यानी के same जो आवाज़ों वाले अल्फाज होते हैं, same आवाज़ें होती हैं, उनको दोहराना या उसी किस्म की आवाज़ों को या उसी किस्म के जो अल्फाज होते हैं उसको बार बार हम वही बार बार आई जाते हैं या वही words यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साउंड्स ही यूज़ हों, वो वर्ड्स भी बार बार यूज़ हो सकते हैं एक लाइन में, और किसी भी सिलेबल पे बहुत जोर किसी पे हम डाल सकते हैं। एग्जांपल यहाँ दी गई है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब ये सेल्स सी शेल्स सी शोर, ये क्या है, ये एलिट्रेशन है। ये सेल्स और ये एक तो शुरू ये सेम वर्ड से हो रहे हैं, अगर हम इनके साउंड को देखें तो ये भी मिलते जुलते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ये क्या हो जाएगा, बार बार दोहराए जाने वाले एलिट्रेशन। इसी तरह अगर हम एक दो और देखें, इनको हम क्या बोलते हैं, टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक मैं आपके लिए बोलती हूँ, पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। एक और, शीप शुड स्लीप इन अ शेड। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, इसमें शीप स्लीप और शेड क्या हो जाएगी, ये एलिट्रेशन हो जाएगी। अब आप इस तरह के और ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं और इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक एलिट्रेशन तक हो गया। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस, आपको ऑलरेडी पता है कि पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है, एक तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, इसमें क्या सिंगुलर प्लूरल,
सब्जेक्ट फॉर नाउन में जो फर्स्ट पर्सन आई है यू है, सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही शी इट है। प्लूरल में वी यू दे, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर नाउन क्या होता है, सिंगलर और प्लूरल। सिंगलर में फर्स्ट पर्सन मी है, सेकंड यू है, थर्ड हिम हर इट। प्लूरल में अस यू देम। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, सिंगलर मी माइन यू योर्स हिज हर इट्स, प्लूरल में आवर आवर्स योर योर्स इट्स देयर और देयर्स। नेक्स्ट जो है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है करेक्ट प्रोनाउन से। प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं और बार बार किसी चीज़ वो किसी नेम प्लेस या जगह के उनके प्रॉपर नेम की वजह से उसको रिपीट होने के से बचाने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं, आई वी वगैरह को, ठीक है। तो ये आपने उससे रिलेटेड अपने बुक में कर लेना है। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा है सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन डेट अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। इसमें भी आपने पर्सनल प्रोनाउन लगाना है जो कि हर एक सेंटेंस के हिसाब से सही हो, वो भी आप फिल कर लीजिएगा, ईजी है ये, आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ तक आपने कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।